हाँ दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद वसीम, और आज हम बात करने वाले तीन ऐसे लोगों के बारे में जो कि हमारे टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और हमें गोल को अचीव करने में हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो हमें उन तीन लोगों के बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि ये अमीर लोग जितने होते हैं उनकी ये आदत होती है इन लोगों से बच के रहते हैं। तो पहले वे कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स, जब भी आप उनसे मिलोगे तो हमेशा राजनीति की ही बातें करेंगे, पॉलिटिक्स की ही बातें करेंगे कि ये इनकी सरकार बनने वाली, इनकी सरकार जाने वाली है, इनको इतना वोट मिलने वाला है, ये इनको इतना वोट वहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो मतलब आपके पॉलिटिक्स के ही बातें करेंगे। और दूसरे कैटेगरी के वे लोग होते हैं, जो कि हमेशा प्रॉब्लम पे बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम पे ही बातें करते हैं। अगर उनसे आप मिलो तो बताएंगे कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मेरे पिताजी का बिजनेस डाउन हो गया है, मेरे फैमिली में इस कंडीशन चल रही, बहुत बुरा हाल चल रहा। मतलब जब भी आप मिलोगे तो वे हमेशा एक न एक प्रॉब्लम पे बात करेंगे, आपको समस्याएं कितना गिनाएंगे। तो अगर आप इनके साथ टाइम दे रहे हो तो आप भी प्रॉब्लम पर ही बात करोगे, आपका दिमाग ही खराब होगा। तीसरे कैटेगरी के वे लोग होते हैं जो कि हमेशा पीपल की बातें करते हैं। पीपल मीन्स लोगों की ही बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों की बातें करते हैं। अगर उनसे आप मिलोगे तो वे बोलेंगे कि फला व्यक्ति का नेचर नहीं सही है, फला व्यक्ति का इससे झगड़ा है, फला व्यक्ति का वहाँ पर गलत किया, फला व्यक्ति ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है फला व्यक्ति की, फला व्यक्ति जो है वहाँ बहुत गलत किया है। मतलब वो हमेशा लोगों की ही बातें करेंगे, उन्हें अपने बारे में उतनी जानकारी नहीं होती जितनी की पूरी डिटेल वो दूसरों के बारे में रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि आपका गोल अचीव करने में ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि ये अमीर लोग होते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और हम सीख रहे हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे उनकी आदत होती है, हम उन आदत को अपने अंदर लाएंगे, यही सीख रहे हैं। तो आज का यही टॉपिक था कि तीन लोगों के साथ हमें टाइम स्पेंड नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाले। थैंक यू सो